हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोईये खास में। आज हम बनाएंगे कलाकंद, तो चलो शुरू करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए आपको चाहिए कंडेंस मिल्क 400 ग्राम, पनीर 250 ग्राम, मिल्क पाउडर 2 चम्मच, इलायची पाउडर 3 से 4 इलायची का। अब कढ़ाई में पनीर डालें, उसमें मिल्क पाउडर डालें और कंडेंस मिल्क भी डाल दें। क्या आप जानते हैं पनीर हमारे देश में कहां से आया और कौन लेकर आया? जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, रोचक जानकारियां हैं इसमें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें और 10 से 15 मिनट इसे धीमी आंच में भूनते रहें। आप देखेंगे पनीर धीमे धीमे कंडेंस मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। जिसे हम नॉर्थ इंडिया में पनीर कहते हैं, वहीं ये पनीर बंगाल में छेने के नाम से प्रसिद्ध है। अब सवाल है, बंगाल में छेना यानी पनीर आया कहाँ से? तो आपको बता दूं कि पनीर पोर्चुगीज अपने साथ 17वीं शताब्दी में लेके आए थे। वहीं नॉर्थ इंडिया में पनीर आया था 16वीं शताब्दी में, जो पर्शियन और अफगानियों द्वारा लाया गया था। जहाँ बंगाल में इसका इस्तेमाल मीठी चीज़ें जैसे रसगुल्ला, चमचम बनाने के लिए होता है, वहीं नॉर्थ इंडिया में ये इस्तेमाल किया जाता है सब्जियाँ बनाने के लिए, जैसे पालक पनीर, पनीर मखनी इत्यादि। तो लीजिए, कलाकंद का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। हमने इसे ट्रे में निकाल लिया है। अब इसे गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से, थोड़ा ठंडा होने देंगे और कट करके सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।